Hello students good evening to all of you welcome to the Apex classes edutech channel this is Laxman Singh Rao your English educator dear students today we are going to read about the poem fog and it is composed by Carl Sandburg. Abhi Apex ke online class ke टेंथ में क्या चल रहा है फॉग चल रहा है फॉग जो कोहरा जो धुंध, उसको लेकर के कार्ल सैनबर्ग ने स्मॉल पोएम लिखी है और उसको लेकर के हम पूरा एक्सप्लेनेशन आदि करेंगे कार्ल सैनबर्ग कंपोजर ऑफ द पोएम इस पोएम के जो रचनाकार है उनके बारे में हमने पढ़ा और आज हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे पोएम को रिसाइट करेंगे वर्ड्स मीनिंग देखेंगे उसके बाद में एक्सप्लेनेशन होगा आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले आप इस क्लास को सबसे पहले लाइक कीजिए लाइक करने के बाद में शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके पास में बहुत सारे ग्रुप्स हैं मुझे ध्यान है और आप अवश्य प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए भगवा धारी राहुल गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग बिल्कुल राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए सबसे पहले लाइक कीजिए फिर शेयर भी कर दें व्हाट्सएप ग्रुप से फ्रेंड्स को भी बुलाइए और अपेक्स का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप में विभिन्न कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें आर बी एस सी सी बी एस सी यू पी एस सी आर पी एस सी कॉम्पिटिशन क्लासेज यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स बैंकिंग सेक्टर नीट और भी जो भी है जितने भी कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं और लाइव क्लासेस भी आ रही है यूट्यूब पर भी क्लासेस आ रही है हाँ एक और बात आपने ये जो चैनल जो अभी लाइव देख रहे हैं आपने आर बी एस सी सी बी एस चैनल सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन आपको क्या करना है कि इसी का बड़ा चैनल जो है अपेक्स कंपटीशन चैनल तो उसमें एल डी सी सी चल रहा है क्या सब चल रहा है बिल्कुल आपको यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेज मिलेंगे और ये जो क्लास आप लाइव देख रहे हैं आर बी एस के उस प्लेटफॉर्म पर जो आपने सब्सक्राइब कर रखा इस चैनल को कुछ दिनों में ही आने वाले कुछ दिनों में ये सभी क्लासेस अपेक्स के कंपटीशन वाले चैनल पर यानी जो बड़े वाला जो चैनल है वहाँ से संचालित होगी इसलिए आप यहाँ से सीधे वहाँ पर आ जाइए वहाँ पर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल अक्षरों में लिखा हुआ था ना सब्सक्राइब और साथ में अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को सभी को ये बताए बताना है शेयर करके भी बताना है कि इस प्रकार से ये जो आर बी का जो चैनल है आने वाले दिनों में कंपटीशन वाले चैनल पर सभी कक्षाएं आएगी और साथ ही साथ कई बार ऑफर आते रहते हैं जहां पर आपको नोट्स है पीडीएफ फाइल्स है जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस है मॉडल पेपर से ओल्ड पेपर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके जो आंसर्स है ये सब अच्छे तरीके से शानदार तरीके से जो तैयार किया हुआ मैटर है वो आपको मटेरियल मिलेगा और साथ में आपको तो क्या चाहिए सक्सेस एंड सेलेक्शन मुख्य बात यही है हमारे हमारी वास्तविक जो पूरी जद्दोजह किस बात को लेकर के हो रही है आप जो पूरा जुड़े हुए किस यानी आपको आपको किस बात की तलाश है सक्सेस और सेलेक्शन की और इसके लिए ही तो अपेक्स ने ये प्रॉमिस किया है सबसे विश्वसनीय सबसे आगे आपको रखेंगे सबसे आगे इस चैनल पर तो 379 के सब्सक्राइब तो भी इसके अलावा एक और बड़ा चैनल है क्या ये जो 379 है ना यही यही बिल्कुल यही है यही वाला आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है और आ, साथ में एक नंबर है नाइन डबल सेवन टू वन फाइव वन ट्रिपल फाइव यदि इस पर आप मिस कॉल करना है मिस कॉल करेंगे तो उससे आपको तुरंत लिंक मिलेगा और उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे आपको जो भी जानकारी चाहिए उसे आप ले सकते हैं ध्यान दीजिए महत्वपूर्ण अध्याय के तौर पर पोएम के रूप में पोएम के रूप में अभी चल रहा है फॉग चल रहा है और इस फॉग को कार्ल कार्लबर्ग ने इस पोएम को वो रचा है रचना की है कंपोज किया है और उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे इधर ध्यान दीजिए जब फॉग आता है कोहरा जब आता है तो इस प्रकार से जिसको हम धुंध बोलते हैं और ये जो धुंध होती है कोहरा होता है और हमारी लोकल लैंग्वेज में ग्रामीण क्षेत्र में किसान लोग कहते हैं कि दावो पड़गो, कहते हैं ना दावो पड़गो, वो दावो जो है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है और ऐसे आता पता नहीं चलता है कब पड़ेगा कैसे क्या कुछ उसका कोई पता ही नहीं चलता है इतना चुपचाप इतना शांतिपूर्ण तरीके से आता है पूरे शहर पर पूरे खेतों पर पूरे बंदरगाह पर छा जाता है जैसा कि यहाँ पर छा गया है पूरे शहर पर धुंधलापन दिखाई दे रहा है ना बड़ा शहर है लेकिन आपको लग रहा होगा केवल पता नहीं क्या दिख ही नहीं रहा है हाँ क्यों नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ इधर फॉग चल रहा है इधर देखिए और फोक की तुलना की गई है इस कैट से कि जब एक बिल्ली आती है दबे पाँव आती है बिल्ली आती है तो पता ही नहीं चलता है कि बिल्ली आ रही है इतनी चुपचाप आती है इतनी शांत तरीके से आती है एक के टू क्रिएशंस भगवा धारी जय जय श्री राम भाई जो भी हैं आप आपका स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है लाइक और शेयर कर दीजिए फिर हमारे से आप जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत फिर हम आगे बढ़ेंगे कैट जो है बिल्ली जो है बिल्ली इतनी धीरे धीरे आती है चुपचाप आती है उसके कदमों की आवाज़ नहीं आती जैसे कोहरा आता है तो कोई तूफान मचाते हुए हो अल्लाह इस टाइप से किसी प्रकार का नहीं होता है इतना चुपचाप रात के समय हो या मॉर्निंग टाइम में हो इस टाइप से धीरे धीरे आता है पूरे शहर पर ग्रामीण क्षेत्र पर पूरे खेतों पर छा जाता है जैसे चुपचाप बिल्ली आती है आकर के अपने पैरों के माध्यम से वो इस प्रकार से बैठ जाती है जैसे बिल्ली आती है और बैठ जाती है उसी प्रकार से ये फॉग आता है और इस प्रकार से शहर पर छा जाता है ये कवि का कहना है और उसी को लेकर के उन्होंने छोटी सी कविता की रचना की है अच्छी कविता है नेक्स्ट में देखिए यह आपके लिए पूरा स्पष्ट करने के लिए बड़ा सा चित्र दिया कि किस प्रकार से पूरे शहर पर इस हार्बर पर हार्बर यानी बंदरगाह पूरे बंदरगाह पर फॉग छा गया है इस हार्बर पर क्या चल रहा है फॉग चल रहा है ऐसे अब देखिए पोएम को हमने कुछ पाठ फॉग कोहरा तो पर देखिए सरकारी नौकरी सी को जय जय श्री राम बिल्कुल आपका स्वागत है आप सभी को गुड इवनिंग और लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए फॉग को लेकर के द फॉग कम्स देखिए पोएम बिल्कुल छोटी है बहुत बड़ी नहीं है बिल्कुल ही छोटी पोएम है और यहाँ पे कवि क्या कहता है द फोकम्स लिटिल कैट फीट द फॉक लिटिल कैट फीट यानी जो फॉग है कोहरा है आता है ऑन लिटिल कैट फीट यानी जैसे बिल्ली आती है बिल्ली की तरह वो भी छोटे छोटे जैसे कदमों से आती हुई किस प्रकार से आती है भगवादारी राहुल राम राम बिल्कुल आगे शेयर जरूर कर दीजिए द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स इट सिट्स इट मीन्स कैट के लिए भी और फॉग के लिए भी सिट्स लुकिंग लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ओवर हार्बर हार्बर होता है बंदरगाह बंदरगाह जो होता है और सिटी यानी शहर साइलेंट चुपचाप साइलेंट होता है चुपचाप हनचेज का अर्थ होता है घुटनों के बल बैठना घुटनों के बल बैठना यानी बिल्ली कैसे बैठती है देखा होगा आपने एंड देन मूव ऑन और उसके बाद में यानी ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से फॉग कम्स फॉग कोहरा कम्स आता है ऑन पर लिटिल छोटे कैट बिल्ली फीट पाओ यानी जैसे बिल्ली आती है ना उसी प्रकार से बिल्ली के पैरों की जैसे कोई आवाज़ नहीं आती ठीक उसी प्रकार से कोहरा भी आता है बिल्ली के उन दबे पांवों की तरह आता है क्योंकि बिल्ली के पांवों की कोई आवाज़ नहीं होती ठीक उसी प्रकार से कोहरा जो आता है शहर पर छा जाता है खेतों में छा जाता है उसकी कोई आवाज़ नहीं आती है उस प्रकार से आता है इट सिट से ये बैठ जाता है लुकिंग देखिए किस प्रकार से देखते ओवर हार्बर एंड सिटी यानी पूरा हार्बर जो बंदरगाह है जो सिटी है शहर है उसके ऊपर छा जाता है ऑन साइलेंट ऑन चेज चुपचाप घुटनों की बल पैरों की बल एंड देन मूवज़ ऑन उसके बाद में मूवज़ ऑन चला जाता है तो ठीक उसी प्रकार से जब एक बिल्ली आती है बिल्ली आती है दबे पाँव आती है चुपचाप आती है बैठ जाती है तलाश में रहती है इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है देख नहीं रहा है तो क्या किया जाए बिल्ली का टारगेट क्या आपके घर में यदि दूध रखा हुआ है तो बिल्ली की उस समय पूरी कुदृष्टि दृष्टि कि उसको चट कर जाना है तो बिल्ली दबे पावा थी पता ही नहीं चलने थे थोड़े आप इधर हुए बिल्ली घुसी और जा के फटाक से दूध पिया और मोहजान चली जाती है तो यहाँ पर कोहरा भी आता है छा जाता है पूरे शहर पर और उसके बाद में अचानक से जैसे ही सूर्य की तेज धूप आदि होती है वो चला जाता है तो ठीक बिल्ली जैसे ही बिल्ली ने बिल्ली आकर के बैठ गई और जैसे ही आपको आते हुए देखा बिल्ली का नौ दो ग्यारह होना तय तो उसको लेकर के कवि ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यक्त किया है कि जिस प्रकार से दबे पांव बिल्ली आती है ठीक उसी प्रकार से ये कोहरा जो है ये भी आता है आकर के पूरे शहर और बंदरगाह पर छा जाता है ग्रामीण क्षेत्र पर ग्रामीण क्षेत्र के जो खेत आदि है उन पर छा जाता है और इसके बाद में चला भी जाता है जैसे ही कोई सूर्य आदि की धूप होती है उसके बाद में तो यहाँ पर फॉग की जो समरी है इंग्लिश में देखिए कार्ल सेंडबर्ग इसके पॉइंट है उन अमेरिकन एडिटर एंड पोइट रहे हुए हैं अमेरिकन संपादक रहे हुए हैं पोइट रहे हुए हैं कवि हीस पुलिस प्राइजेस भी उन्होंने जीते हैं मोस्ट ऑफ इज पोइम्स आर अबाउट द शिकागो सिटी शिकागो सिटी जो अमेरिका में है उनके बारे में उन्होंने ज्यादातर लिखी है वी आर ही लिफ्ट जहां पर वो रहते थे एमंग इज मैनी कलेक्शन ऑफ द पोएम और कविताओं का उनका बहुत बड़ा संग्रह है उसमें से फॉग इज द शॉर्टेस्ट पोएम जो कविताओं का संग्रह है उसमें से इनकी जो फॉग पोएम है सबसे शॉर्टेस्ट सबसे छोटी देखिए ज्यादा नहीं है तीन चार लाइन की कविता है केवल और केवल तीन चार लाइन की तीन चार पंक्तियों की और पंक्तियाँ भी बड़ी बड़ी नहीं है दो तीन शब्द वाले इस प्रकार से तीन शब्दों में एक पंक्ति पूरी होती है इस प्रकार की छोटी सी थोड़े समय बाद में आपको पेरेंट्स को सबको लगने लगेगा कि हाँ परिवर्तन तो आया जैसे एडमिशन लिया है बारहवीं में लिया है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम या अपेक्स करियर हॉस्टल में और या रहने के कुछ समय बाद में फर्स्ट टाइम जब बच्चा घर जाता है पेरेंट्स को भी लगता है मित्रों को भी लगता है कि इसमें तो बहुत परिवर्तन आया है पहले ये तो ध्यान नहीं देता अब तो बहुत ही डिसिप्लिन बन गया है बहुत पढ़ाई में भी तेज हो गया है और आ, केवल करियर की बात करने लगा है सिलेक्शन की बात करने लगा है तो वो जो परिवर्तन है वो अपेक्स क्लासेज एजुटेक के माध्यम से आपको मिलेगा और यहाँ पर फॉग में भी यही संदेश दिया जा रहा है अपेक्स क्लासेज एजुटेक जो कि ऐप है उस ऐप को आप अवश्य डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर के माध्यम से साथ ही साथ जो आर बी एस का प्लेटफॉर्म आपने सब्सक्राइब कर रखा है आप क्लास को देख रहे हैं इसके साथ में जो कंपटीशन वाला चैनल है जहां पर थ्री सेवन नाइन प्लस जो के थ्री सेवन नाइन के ये जो सब्सक्राइबर्स इस है इससे आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्योंकि आने वाले दिनों में सभी कक्षाएं उस बड़े चैनल से कंपटीशन वाले चैनल से ही संचालित होगी फॉग आर विजिपल इन कोल्ड एरियाज जब फॉग जो होता है फॉग्स कोहरा जो है एक कोल्ड एरिया जो होते हैं ठंडे एरियाज़ में सर्दी के मौसम में ज़्यादा दिखाई देता है और माउंटेन्स में और इन माउंटेन्स और फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो है पहाड़ों में जंगलों में वहाँ दिखाई देता है लेकिन यहाँ जब कविता की बात आती है द पॉइट डिस्क्राइब्स फॉग विच इज़ हैपनिंग इन द सिटीज एंड हार्बर तो यहाँ पर शहर और बंदरगाह पर आ, किस प्रकार से छा गया है उसको लेकर के कवि ने वर्णन किया है बिल्कुल राहुल जी इसको लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए सरकारी नौकरी बिल्कुल आप भी जो भी है ए के टू क्रिएशन सभी आप इसको शेयर अवश्य करें ही गेव अ वंडरफुल कंपेरिजन बिटवीन द फॉग एंड एंडै यानी यहां पर तुलना की गई है कंपेयर किया गया है किसको फॉग और बिल्ली के बीच में इनकी तुलना की गई है कि जैसे बिल्ली आती है चुपचाप आती है साइलेंटली आती है आकर के हॉन्चे जो घुटनों के बल बैठ जाती है पता नहीं चलता है और जैसे ही बिल्ली को कोई देखता है बिल्ली भाग जाती है ठीक उसी प्रकार से फॉग आता है कोहरा आता है माउंटेन्स एरिया में सिटीज में हार्बर पर कहीं पर भी और आता है उसके बाद में जैसे ही सूर्य उदय होता है तेज धूप रहती है तो वो भी चुपचाप गायब हो जाता पता ही नहीं चलता कहाँ गया इस टाइप से वेन ए कैट कम्स अराउंड अस जब कोई बिल्ली हमारे आसपास आती है मोस्टली इट इज कमिंग सो स्लोली इतनी धीमे आती है चुपचाप आती है हार्डली एनी वन इज गेटिंग नोटिस क्योंकि मुश्किल से किसी को पता चलता है कोई नोटिस ही नहीं कर पाता और द सेम इज केस विद द फॉग और ये सेम स्थिति यही समान स्थिति इस कोहरे के साथ होती है एंड इट्स अराइवल और उसके आने की इट जस्ट कम्स इन एन एंगल्स द एंटायर प्लेस निगल लेना एंगल्स निगल लेना यानी छा जाना वो पूरे स्थान पर पूरा स्थान यानी चाहे वो शहर है सिटी है हार्बर है बंदरगाह है विलेज है गांव है फॉरेस्ट है माउंटेन्स है पहाड़ है जंगल है फील्ड्स है खेत वगैरह सब के ऊपर छा जाता है इस प्रकार से ये कोहरा होता है और आता है इट इज स्टेज ऑन फॉर टाइम कोहरा आता है कुछ समय के लिए रुकता है क्रिएटिंग बनाते हुए निर्माण करते हुए ट्रबल परेशानी फॉर एनी वन इन बिटवीन इट क्योंकि कोहरा जब आता है तो गाड़ी चलाने वाला है और भी जो लोग हैं काम के लिए जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं या कैसे अंधेरे टाइप से रह जाता दिखता नहीं धुंध के कारण काफी समस्याएं हो जाती है और काफी परेशानी होती है बट स्टिल स्टेज एज दो इट इज नॉट अवेयर ऑफ द हैपनिंग्स अराउंड इट क्योंकि आसपास में क्या घटित हो रहा है उसको लेकर के उसको कोई परवाह नहीं होती है कोहरे को तो आना है और वो आएगा देन द पॉइंट सेज कवि कहता है दैट इट जस्ट कम्स सिट्स एट द हार्बर एंड लुक्स एट द सिटी कि आता है बंदरगाह पर शहर पर आता है केवल देखता है आकर के ठहर जाता है और केवल देखता है तो जैसे बिल्ली आती है इधर उधर ध्यान देती है यदि मौका पड़े तो दूध को चट कर जाना है ये तो बिल्ली का टारगेट होता ही है इस प्रकार से तो यहाँ पर जो कोहरा है किस तरीके से पूरे शहर पर हार्बर पर छा जाता है उसको लेकर के कवि ने वर्णन किया है और कवि इसमें हैं कार्ल सेंडबर्ग बिल्कुल आप सभी जुड़े हैं तो सबसे पहले लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए शेयर कीजिए व्हाट्सएप आदि के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से जो भी इंस्टाग्राम है ट्विटर है या फिर और भी जो टेलीग्राम आदि चैनल उसके माध्यम से आप शेयर कीजिए फ्रेंड्स को भी बताइए कि अभी यह चैप्टर पोएम चल रही है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स भी आते रहते हैं और इसके अलावा यानी जो ऐप है ऐप में कई कक्षाएं चल रही है कक्षा बारहवीं से संबंधित आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बारहवीं से संबंधित विभिन्न विषय जो है ऐप में पढ़ाए जा रहे हैं जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश भी चल रहा है वहाँ पर काफ़ी चैप्टर्स हो गए हैं बहुत सारी पोइम्स हो गई है बहुत सारे चैप्टर हुए हैं अच्छा कार्य चल रहा है प्रश्नोत्तर भी हो गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोस्टली जो बोर्ड में आने लायक प्रश्न पुराने जो पेपर है ओल्ड पेपर से, मॉडल पेपर से, आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो भी करवाए गए हैं और उसके लिए आपको ऐप में जाना पड़ेगा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद में आगे जो भी प्रोसेस आप उसको देखिए अपने फ्रेंड्स को भी बताइए रिलेटिव्स को भी बताइए आप स्वयं भी फायदा उठाएं दूसरों को भी इसके लिए वो इस फ़ायदे को उठाने दीजिए और एक जो नंबर जारी किए गए आपको ध्यान हो मिस कॉल के लिए यानी सिंपल तरीका अपनाया आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो हर प्रकार की सुविधा तुरंत मिल जाए उसके लिए एक नंबर दिए गए अपेक्स क्लासेस के ऑल लिंक्स के लिए सभी प्रकार के जो भी लिंक्स हैं ना अपेक्स से रिलेटेड उन लिंक्स के लिए एक नंबर जारी किए गए और वो नंबर क्या है नाइन डबल सेवन टू वन फाइव वन ट्रिपल फाइव इस पर आप मिस कॉल दीजिए जैसे मिस कॉल देंगे आपको वहाँ पर लिंक्स मिलेंगे और उस लिंक्स को आप क्लिक करेंगे आगे की जानकारी पूरी मिल जाएगी दूसरी बात ये जो आर बी का जो चैनल है जिस पर आप क्लास देख रहे हैं यदि आपने बड़े वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया है बहुत अच्छी बात है मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय में ज़्यादातर यानी कहने अर्थ सभी कक्षाएं आने वाले दिनों में सभी कक्षाएं उस बड़े वाले चैनल से कंपटीशन वाले चैनल से ही संचालित होगी इसलिए आपको उस चैनल पर आ जाना है जो भी आर बी चैनल से जुड़े हैं फ्रेंड्स को भी बताएँ रिलेटिव्स को भी बताएं कि इस प्रकार से ये चेंजेस जो है होने जा रहा है उसको लेकर के नेक्स्ट में देखिए इट इज़ द साइलेंट इट इज एट द साइलेंट हज यानि जो घुटनों के बल ऐसे बैठ जाती है जो बिल्ली उसी प्रकार से कोहरा आता है एंड देन फाइनली मूवज ऑन उसके बाद में चला जाता है बिल्ली भी चली जाती है हियर द पॉइंट डिस्क्राइब यहाँ पर कवि ने वर्णन क्या किया है द हैपनिंग जो घटना घटित होती है वंस द फॉग हेज़ अराइव्ड की जैसे एक बार कोहरा जो है वो आ चुका होता है फॉक्स एज सच डू नॉट कॉज एनी हार्म हालांकि इसका कोई नुकसान नहीं होता लेकिन एक बात और है नुकसान कब होता है कि जब कोहरा ज़्यादा है और आप गाड़ियाँ वगैरह स्पीडली चला रहे हैं लापरवाही से चला रहे हैं तो नुकसान होना तय है और वैसे जनरली नुक, नुकसान नहीं होता बिकॉज क्योंकि इट इज़ वेरी साइलेंट एंड द ऑन सेट इज़ इज स्लो टू सॉरी यानी कि बिकॉज इट इज़ वेरी साइलेंट एंड ऑन सेट इट इज स्लो टू यानी एक तो स्लो होता है चुपचाप आता है नुकसान नहीं पहुंचाता है और दूसरी बात कि साइलेंटली और स्लोली होता है साइलेंटली होता है तो यहाँ पर एक मैसेज और दिया गया है मैसेज ये दिया गया है कि अपेक्स के माध्यम से जैसे कवि कवि ने मैसेज दिया ना वैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ कि साइलेंटली कैसे फोग आता है साइलेंटली कैसे बिल्ली आती है और अपने काम में सफल हो जाती है कोई जरूरी नहीं है कि धमाका करते हुए आना है ऐसे पूरा हलचल अस्त व्यस्त करते हुए आना है और ऐसे कोई जरूरी नहीं है यानी अपेक्स से आप जुड़े हैं साइलेंटली तैयारी करनी है बिल्ली किस प्रकार से आती है चुपचाप आती है आकर के पता ही नहीं चलने देती दूध पी कर के जो टारगेट था उसको अचीव किया और चली गई फॉग भी आता है चुपचाप आता है पूरे शहर पर पूरे गांव पर खेतों पर पहाड़ों पर बंदरगाह पर छा जाता है और चला जाता उसी प्रकार से आपको भी इतनी साइलेंटली अपेक्स से आप जुड़े हैं तो बढ़िया साइलेंटली आप अपना कार्य कीजिए मेहनत कीजिए यहाँ पर जो क्लासेज है उसका फायदा उठाइए और साइलेंटली सक्सेस और सिलेक्शन अपना हो जाए इस प्रकार से कार्य कीजिए बिल्कुल बढ़ेंगे आगे बट वेन द फॉग इज़ अराउंड जब फॉग पास में होता है स्पेशली इन दिटी शहर के पास मैनी एक्सीडेंट्स मे ऑक्योर ड्यू टू लो विजिबिलिटी लो विजिबिलिटी होती है उस समय काफ़ी नुकसान हो सकता है दस ड्यू टू फॉग पीपल कैन नॉट सी प्रॉपरली एनी थिंग इन बिटवीन देम वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड सड़क पर जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस समय भी हम देखते हैं कि अंधेरे टाइप से हो जाता है वहाँ बहुत सावधानी रखने की जरूरत है और प्रॉपर वे से हम यदि चलेंगे तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा यदि सही तरीके से चल रही हैं हालांकि क्या होता है समटाइम्स फोग में बी वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ टू इंसान के जीवन के लिए भी होता है कई बार नुकसानदायक हो जाता है जैसा कि हमने स्पीड आदि को लेकर के कहा या फिर फसलों को नुकसान की जो बात आती है उसको लेकर के देर फो इसके अलावा फॉग कम्स इन सिमिलर टू स्मॉल एंड साइलेंट किटन का छोटी जो बिल्ली बिल्ली के बच्चे उनके किस प्रकार से पैर जो पता ही नहीं चलता कि बिल्ली आ रही है एंड इट सिट्स एंड वॉचिज द ब्यूटी सुंदरता को देखते हैं वायल इट कवर्स द होल सिटी और ये आता है शहर की सुंदरता को कोहरा देखता है और ये कोहरा ये फॉग पूरे शहर पर छा जाता है उस पूरी सिटी को ढक देता है एट लास्ट अंत में द इज कवि कह रहा है दैट एज ए स्मॉल चाइल्ड गेट्स बोर्ड छोटा बच्चा जैसे बोर हो जाता है प्लेइंग खेलते हुए द सेम गेम वही खेल एंड ऑन टू द नेक्स्ट उसके बाद में आगे चल पड़ता है सिमिलरली उसी प्रकार से समान रूप से द फॉक स्टे इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम क्योंकि कोहरा लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं ठहरता है देर फोर इसके अलावा आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद में द फॉग ऑल्सो मूवज़ ऑन कोहरा भी चल पड़ता है फॉग डज नॉट स्टे लॉन्गर एट एनी वन प्लेस किसी भी एक स्थान पर कोहरा है वो लंबे समय तक नहीं रहता ये प्रकृति प्रदत्त इस प्रकार से घटना होती है और किस तरीके से चारों तरफ पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेती है तो आपको भी क्या करना है कि यहां पर अपेक्ष में एक लंबा सफलता का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता शॉर्ट पीरियड में जैसे फॉग आता है और उसके बाद उसी टाइप से यहां पर भी आप जुड़े जुड़ने के बाद में इंतजार आपका सफलता के लिए सिलेक्शन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता सबसे बड़ी बात है यही तो इसीलिए तो कहते हैं सबसे विश्वसनीय सबसे आगे आगे तो सिलेक्शन हो तो सबसे आगे इसलिए यहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट्स जिन्होंने वास्तव में जुड़ करके के फ़ायदा उठाया है कंक्लूज़न इसको लेकर के क्या निष्कर्ष निकला है दिस वेरी स्मॉल पोएम इज़ डिस्क्राइबिंग नेचर्स एक्ट इन ए ब्यूटिफुल मैनर बहुत बड़े अच्छे सुंदर तरीके से यहाँ पर इस कविता का वर्णन किया गया है और किस तरीके से कवि ने शानदार तरीके से बिल्ली से तुलना करते हुए इसकी बात बताई है दीजिए इधर ध्यान दो मिस्ड कॉल को लेकर के मैंने जो नंबर बताए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है इस नंबर पर ट्राई कीजिए एक बार मिस कॉल देना है मिस कॉल दीजिए जो लिंक्स मिलते हैं उसमें आप एड उसको क्लिक कीजिए और क्यू कोड के माध्यम से भी इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है अपेक्स क्लासेस ऐप को आपने डाउनलोड कर दिया है और यदि कोई समस्या आ रही है तो यहाँ नंबर दे रखें आपके लिए कस्टमर सपोर्ट नंबर है यानी सभी प्रकार की सुविधाएं और ऐप तो जो है ही मैंने जो जैसा कहा इधर ध्यान दो ये जो चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है आने वाले दिनों में सभी कक्षाएं यहां से संचालित होगी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ये आपके लिए बताया जा रहा है इन्फॉर्मेशन के तौर पर और इसी प्रकार से आपका प्रेम स्नेह सहयोग सपोर्ट मिलता रहे जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि इस प्रकार से ऐप पर इस प्रकार से यूट्यूब चैनल पर कक्षाएं चल रही हैं फ़ायदा अवश्य उठाएं मिलते हैं नेक्स्ट में और ये जो फॉग पोएम है इसको लेकर के नेक्स्ट में हम और पढ़ेंगे इसके बारे में इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे इसको आगे तो आगे जो भी जब भी अपने नेक्स्ट में उस समय इस क्लास के अलावा जब भी आगे क्लास अपने जस्ट बिल्कुल होगी उसमें तब तक के लिए थैंक यू